अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये कश्मीरी मसाला। ये कश्मीरी मसाला खाने में बहुत टेस्टी होता है और आपने देखे होंगे विंडो जो होते हैं वो दरगाह के बाहर या हमारे स्कूल्स के बाहर इसको भेजते हैं और इसको बनाना बहुत ईजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है ये ब्लैक बीन्स। ये राजमा जैसी होती हैं लेकिन ये उससे बहुत छोटी होती हैं और इनका जो कलर है बहुत डार्क होता है, तो इसको कश्मीरी में वारमुट बोलते हैं। इसी दाल से जो है ये मसाला बनता है। इसको आपको अच्छे से धोना है, अच्छे से क्लीन करना है और धोने के बाद इसको हमें अच्छे से ओवरनाइट जो है 8 से 12 घंटे के लिए या ओवरनाइट हमें इसको सोक करके रख देना है। जब आप इसको ओवरनाइट सोक करके रखेंगे तो ये अपना जो इसका कलर है वो छोड़ने लगेगा और जो आप इसमें जो आप पानी डालोगे वो बिल्कुल ऐसे ब्लैकिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। आपको इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ये आपको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम जब हम इसको स्टीम करेंगे तो हम उसमें यूज़ करेंगे। अब मैंने कुकर लिया है और ये मैंने सारा इसी में ऐड कर दिया है। जो पानी है और जो बीन्स है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी आपको जितना आप राजमा का कॉन्टेंट ले रहे हो, जितना आप बीन्स ले रहे हो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आपको पानी लेना है। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है और उसको हम कवर कर देंगे और इसको 5 से 6 जब तक इसमें विसल्स आती हैं तब तक हम इसको रहने देंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत सारा जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो गया है, इसमें बहुत सारा पानी जो है एब्जॉर्ब हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। और ये बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि जब आप इनको टच करो तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल ईजिली ये मसलने चाहिए। तो इसका मतलब जो है हमारे राजमा जो है तैयार हो गए हैं। इनको हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे और पूरा फैल जाएंगे। तो हमें बिल्कुल वैसे भी नहीं बनाना, हमें बिल्कुल इनको ऐसा करना है कि जब हम इनको हाथ से छुए तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब जो हम इसमें एक्सेस वाटर जो है वो हम स्ट्रेन कर देंगे और हम इसको स्ट्रेनर पर रख देंगे और इसका जो एक्सेस वाटर है वो हम स्ट्रेन होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा स्ट्रेन होने के लिए, ताकि जो पूरा पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए और पूरा ये ड्राई हो जाए। अब हम इसके जो स्पाइसेस हैं इसमें सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ही डलता है और इसमें कुछ नहीं डलता, ज़्यादा कुछ नहीं डलता, बस सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ही डलता है जो हम इसमें डालते हैं। और इनको इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है, सॉल्ट और रेड चिली को इसको मैंने अच्छे से, आप चाहे तो बाद में भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने पहले ही मिक्स करके रख दिया है। अब देखिए हमारा जो राजमा है वो पूरा ड्राई हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल भी बहुत स्टिकी स्टिकी लगेगा। तो हमें बिल्कुल वैसा नहीं बनाना, हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है और इसके बाद हम इसको प्लेट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको बनाना बहुत इजी होता है, इसमें बस सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट ही यूज़ होते हैं। इसमें बीन्स यूज़ होते हैं और सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ही यूज़ होते हैं, तो इसको बनाना बहुत इजी है। तो ये बहुत ही इजी इवनिंग टाइम स्नैक है, आप इसको घर पे कभी भी बना सकते हैं, बहुत ईजीली है इसको बनाना। अब मैंने इसको प्लेट पर ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके बाद हम इसमें जो है हमारे रेड चिली और हमारा जो सॉल्ट है वो ऐड करेंगे और सॉल्ट ये सब ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स देंगे। आप जो क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही सॉल्ट ऐड किया है तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ 1 चम्मच ऐड किया है। और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया और हमारा जो राजमा है वो अब तैयार हो गया है। और ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इसमें बहुत क्योंकि बीन्स है तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होगा और इसको बनाना भी बहुत इजी होता है। तो आप भी इसको घर पे बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।